फाइनली गाइस इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी रिमूव कर दिया गया है। यदि आपके मोबाइल फोन में टिकटॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसे भी आप ओपन करते हैं कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यानी कि टिकटॉक एप्लीकेशन पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है और इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन आपने टिकटॉक पे 2 से 3 साल मेहनत की है या फिर 4 साल मेहनत की है और आपने 200-300 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, आपने जितने भी टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं उस वीडियो को सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप टिकटॉक एप्लीकेशन यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यूज नहीं करना है, सिर्फ आप ओल्ड वीडियो डाउनलोड करने के बाद टिकटॉक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। तो आपको क्या करना है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सिंपल गाइस आपको करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च कर लेना है टर्बो वीपीएन। तो हम चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फाइनली गाइज आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है वीपीएन टर्बो। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते एक ऑप्शन मिलता है टैप टू कनेक्ट, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते यहाँ पे कुछ कंट्री जो है फ्री में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैड कंट्री है, तो सिंपल नीचे ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हम इंडिया से बाहर किसी अन्य देश से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वेट कर लेना है। तो फाइनली गाइज कनेक्ट हो चुका है, इसके बाद इसे हमें बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है www.tiktok.com। इसके बाद अगेन इंटर करना है, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लोवर और फॉर यू। तो यहाँ पे जितने भी वीडियो है प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली देख सकते हैं आपको जितने भी वीडियो है यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉग इन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। आपने जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन सारे वीडियो को 1 by 1 करके डाउनलोड करना है या फिर एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका वीडियो सारे डाउनलोड हो जाएंगे तो आप लोगों को टिकटॉक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं।